हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है लेजर्स। लेजर्स समझने से पहले आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए जर्नल्स की, जो इससे पहले आपने चैप्टर पढ़ा होगा। जिस बच्चे को जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से आती हैं तो लेजर्स उसके लिए बाएँ हाथ का खेल है। आइए समझते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। एक एग्ज़ाम्पल मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, बच्चों आप भी इसको नोट डाउन करके लिख सकते हो। एक्स लिमिटेड स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपी 1 लाख रुपीज। इसका सेकंड पॉइंट आप लिखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपी 40,000। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए इसका, पेड कमीशन रुपीज 5,000। फोर्थ पॉइंट लिखिए, सेल्स गुड्स ऑफ रुपी 80,000। फिफ्थ पॉइंट लिखिए इसका आप, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज रुपीज 10,000। बस एग्ज़ाम्पल के लिए बच्चों हम सिर्फ अभी इन 5 एंट्रीज की बात करेंगे। और इसमें मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ये जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें GST अप्लाई होता था, तो मैं आपको उसकी भी वो दे देता हूँ। हम बच्चों इसमें मान के चलेंगे CGST एंड SGST इज 6% ईच एंड IGST इज 12%। ये GSTs क्या होती है मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया हुआ है जर्नल में। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बच्चों। अब आइए समझते हैं लेजर क्या होते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा, जैसे ही एक बिज़नेस स्टार्ट होता है और काम करना स्टार्ट करता है तो काम के साथ साथ वो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करने लगता है। मींस काम करने का उनका यही मतलब है कि ट्रांजैक्शंस करना, सेल परचेज करना, कमीशन पे करना और रेंट पे करना, इन्वेस्टमेंट करना, मशीनरी खरीदना, डेप्रिसिएशन लगाना, ये सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होने लगती हैं। तो कोई भी एक ट्रांजैक्शन जब होती है तो उसके बेस पे सबसे पहले एक जर्नल एंट्री पास होती है, ये आपने लास्ट चैप्टर में सीखा। इसके बाद जर्नल एंट्री के बेस पे ही हमको लेजर्स बनाने पड़ते हैं, या फिर आप कह लो एक ऐसा अकाउंट या एक ऐसी स्टेटमेंट बनानी पड़ती है जिसमें हम ये सारी बातें रिकॉर्ड रखते हैं कि हमारे पास किस किस जगह से कितना कितना पैसा आया, किस किस जगह हमने कितना कितना पैसा दिया, या फिर और सारी बातें कि किसको कितना पैसा देना है या कितना लेना है, सारी बातें हम इस लेजर में ही रखते हैं बच्चों। क्योंकि जर्नल एंट्री में तो अभी तक एक तरीके से आप मान लो हमने सिर्फ लिखी हैं बातें कि हमें इतना पैसा आया या इतना पैसा गया। अब उनको लिखने से इतना हमें फ़ायदा नहीं होगा, हेल्प हमारी जब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है तो हेल्प हमें हमारे लेजर्स करते हैं बच्चों। क्योंकि इन लेजर्स में हम A to Z सारी बातें एक स्पेसिफिक बात के लिखते हैं। जैसे अगर मैं कैश की बात करूं तो अगर मैंने यहां पे पूरे साल 100 ट्रांजैक्शन करी जिसमें से 40 ट्रांजैक्शंस में मेरा कैश का लेन देन हुआ है, तो उस कैश के लिए मैं एक पर्टिकुलर लेजर बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं कैश की बातें ही लिखूंगा। हालांकि 100 जर्नल एंट्री जब मैंने पास करी तो उसमें काफ़ी सारी बातें ऐसी होंगी जिनमें कैश का नाम ही नहीं आया होगा एंट्रीज में, तो वो मैं इस कैश वाले अकाउंट में नहीं डालूंगा। यानी आप कह लो सारी जर्नल एंट्री हम इकट्ठा पास कर देते हैं, उसके बेस पर जो हम लेजर बनाते हैं वो फिर स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर अलग अलग लेजर बनाते हैं। ये भी आप सीख जाओगे, समझ जाओगे इस बात को। फिर इस लेजर के बाद बच्चों हमको बनाना पड़ता है ट्रायल बैलेंस। ये बात मैं वैसे पहले भी आपको बता चुका हूँ, ट्रायल बैलेंस
फिर ट्रायल बैलेंस हमको हेल्प करता है हमारी बैलेंस शीट तक पहुंचने के लिए। तो ये ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर से ही अकाउंटिंग की जाती है, बुक कीपिंग की जाती है। सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो उसकी जर्नल एंट्री पास होगी, देन उसके बेस पे हमको लेजर्स बनाने पड़ते हैं या फिर अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, फिर उन अकाउंट्स का बैलेंस हमको ट्रायल बैलेंस में लिखना पड़ता है कि हमारे पास कितना पॉजिटिव बैलेंस है या फिर कितना नेगेटिव बैलेंस है उस पर्टिकुलर लेजर का या उस पर्टिकुलर अकाउंट का। देन फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं और अपनी फाइनल अकाउंट बना के क्लोज करते हैं बुक्स। ठीक है, तो ये लेजर्स के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखवाया था, उससे पहले मैं अब आपको लेजर समझा रहा हूँ। तो लेजर्स क्या है? लेजर कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो भी जर्नल एंट्री आपने पास करी हुई है पहले, उन जर्नल एंट्री के लिए स्पेसिफिक अकाउंट बनाना, वही लेजर है। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि सर इसका फॉर्मेट बता दो, तो इसका फॉर्मेट भी मैं आपको बता देता हूँ। टी शेप अकाउंट की तरह ही होता है बच्चों इसका फॉर्मेट। डेट, यहाँ पे आपका LF या JF आप लिख सकते हो, यहाँ पे अमाउंट JF, याद करो जब आप जनरल एंट्री पास करते थे तो वहाँ पे LF आता था, लेजर वॉल्यू, पर यहाँ पर हम JF का यूज़ करते हैं। फिर इस तरफ आ जाता है हमारा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आती हैं डेट, देन फिर यहाँ पे आता है अमाउंट, फिर से इस तरफ आ जाता है JF और इस तरफ आ जाती है डेट। ये होती है इसकी डेबिट साइड, ये होती है इसकी क्रेडिट साइड। अमाउंट का टोटल होता है बच्चों, और जिस भी तरफ जैसा भी बैलेंस बचता है वो आप बैलेंस शीट के हिसाब से फिर बचा लेते हो उसको। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट होता है जो कि मैंने आपको समझा दिया। हालांकि अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से बहुत आराम से समझ आएगा कि किस तरीके की मैं बात कर रहा था। जिस बच्चे को जनरल एंट्री आती है तो उसको अब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी लेजर बनाने में। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए आइए देखते हैं। तो जब भी आपको लेजर बनाने होंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी आपको समझाया कि अगर आपको लेजर बनाने हैं तो आपके पास जर्नल होना ज़रूरी है, बिना जर्नल के आप लेजर नहीं बना सकते। ये जो मैंने बताया ऑर्डर, इसी ऑर्डर में आप बैलेंस शीट तक पहुँचते हो। इनमें से अगर एक भी बात मिसिंग होगी तो आप अपने फाइनल अकाउंट तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको लेजर बनाना है तो आपके पास जर्नल एंट्री होनी चाहिए, या तो आपके पास जर्नल होनी चाहिए या फिर आपको इस तरीके के वो क्वेश्चन देगा जिसके बेस पे आपको खुद जर्नल एंट्री पास करके उसके बाद लेजर बनाने पड़ेंगे। चलिए, तो मैं पहले इनकी जर्नल एंट्री पास करता हूँ और उसके बाद फिर आपके साथ यहाँ पे लेजर बनाएंगे। सॉल्यूशन, तो जर्नल का फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट में बना लेता हूँ आपके लिए। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, ये होता है बच्चों। चलिए, तो मैं इस पेज पे अब एक एक पॉइंट करके हम इसको समझते हैं और एक एक पॉइंट करके हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले पॉइंट है, एक्स लिमिटेड स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000, यानी इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ₹1,00,000। इसमें बच्चों GST नहीं लगता क्योंकि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, और इसका बीइंग, ये सब नरेशन वगैरह मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। जिन बच्चों ने अभी तक अच्छे से जर्नल एंट्री नहीं पढ़ी तो वो प्रीवियस वीडियोस में जाके सारी जर्नल एंट्रीज पढ़ सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको समझाया हुआ। और अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। तो इसकी नरेशन मैं अभी नहीं लिख रहा। सेकंड एंट्री पास करते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹40,000, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमने GST की भी बात करी हुई है तो आपको GST भी लगाना पड़ेगा, और मैंने लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से GST को एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से GSTs लगती हैं, कब कब आपको किस किस एंट्रीज में कैसे करके लगानी पड़ती है, ये सब मैंने लास्ट चैप्टर में आपको समझाया हुआ बहुत अच्छे से।
परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सी जी एस टी इनपुट एस जी एस टी टू, हमने परचेज करा है कैश में तो टू कैश अकाउंट। कितने के गुड्स परचेज करें तो आप कहोगे सर 40,000 की गुड्स हमारे पास आए हैं, हालांकि उन पे आपको 6% का सी जी एस टी देना पड़ेगा, तो 2400 इस पे और 2400 इस पे, यानी टोटल जो आपके पास से कैश जाना चाहिए वो कितना जाना चाहिए 40,000 तो गुड्स का प्लस 4800 इसका, यानी 44,800 आपके पास से टोटल कैश जाएगा विद जीएसटी है बच्चों। ठीक है, ऐसी हमने जनरल एंट्रीज लास्ट चैप्टर में बहुत सारी करी, मैंने उसके लगभग 10 से 11 पार्ट बनाए हुए हैं जिसमें हमने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी सॉल्व करे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, उसके बाद ये चैप्टर आके देखना अगर आपने अभी तक जनरल एंट्री नहीं पढ़ी है तो। चलिए तो हम नेक्स्ट एंट्री पीछे वाले पेज में जाके सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए फॉर्मेट बना देता हूँ बच्चों, यही फॉर्मेट हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नोट डाउन करा होगा, तो उसमें जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है पेड कमीशन ₹5,000, यानी आपके पास से कमीशन आपने पे कर दी, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, सिंपल सी जनरल एंट्री बच्चों कि आपने कमीशन पे करी यानी आपके पास से पैसा गया, तो क्रेडिट कार्ड होज आउट होता है तो टू कैश अकाउंट। कितना पैसा गया सर, हमने 5,000 की कमीशन पे करी। अच्छा पैसा गया, आया क्या, डेबिट कार्ड कम्स इन होता है ना, तो आप बोलोगे सर आया तो कुछ नहीं, तो मैं कह रहा हूँ फिर क्या डेबिट को खाली छोड़ दे, आप बोल रहे हो नहीं सर ऐसा भी नहीं कर सकते, ये तो डबल एंट्री सिस्टम है, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। तो फिर मैंने बोला अब अगर आपको ये बात समझ ना आए कि आया क्या है, तो जिस रिलेटिव में आपका कैश गया वही लिखना, यानी कमीशन अकाउंट डेबिट 5,000 कमीशन पेड। फोर्थ एंट्री पढ़ लेते हैं, सेल गुड्स ऑफ ₹80,000, हमने 80,000 के गुड्स की सेल करी, तो आपको पता है अगर हम सेल करेंगे तो कैश आएगा सर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा सेल करोगे 80,000 की, तो जिसको सेल कर रहे हो उससे जीएसटी भी लोगे, तो टू आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एस जी एस टी अकाउंट। कितना कितना, तो 6% था, तो 8,4800 इस पे 4800 इस पे, यानी टोटल आप जब 80,000 की सेल करोगे तो जिसको आपने वो सेल करी है उससे 80,000 तो लोगे ही लोगे, प्लस ये जी एस टीज अमाउंट भी लोगे, तो ये कितना हो जाएगा 89,600। सबको अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बता देना। चलिए तो फिफ्थ पॉइंट इसका अब हम देख लेते हैं क्या है। फिफ्थ पॉइंट में इसने बोला विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ 10,000, यानी इसने कैश विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज़ के लिए, तो आप सिंपल सी बात बोलोगे सर कि कैश अगर ये निकालता है तो बिजनेस से कैश चला जाएगा, यानी टू कैश अकाउंट 10,000। टू कैश अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 10,000 का, यानी आपके पास से पैसा गया और आया क्या, तो आप बोलोगे सर आया तो कुछ नहीं, तो फिर से वही बात कि ये पैसा क्यों गया इसका रीज़न लिख दो, तो आप बोलोगे सर ड्राइंग्स करी थी इसीलिए हमारे बिजनेस से ये पैसा गया, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट ₹10,000। तो जनरल एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब जब जनरल एंट्री कंप्लीट हो जाए तो इन्हीं जनरल एंट्रीज़ के बेस पे हमको लेजर बनाने होते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे किसी काम का नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्रीज़ देखनी है और इनका फिर लेजर बनाना है। एक एक करके सारी के हम बनाएंगे बच्चों, देखना कैसे। सबसे पहले पहली एंट्री में आओ और डेबिट में देखो क्या लिखा है, कैश, तो हमको एक कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो मैं देखो बना रहा हूँ कैश अकाउंट, फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, अमाउंट JF, पर्टिकुलर डेट, अमाउंट JF, पर्टिकुलर डेट।
किस तरीके से आपको कैश अकाउंट बनाना है ध्यान से समझना बच्चों, आपका फर्स्ट लेजर है ये। तो देखो सबसे पहले हमें कैश डेबिट में दिखा, तो कैश के डेबिट में आ जाओ। तो मैंने बोला सर ये रहा कैश का डेबिट, मैंने बताया था ना ये हमारी डेबिट साइड होती है और ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो आप बोलोगे सर कैश अकाउंट का इतना पोर्शन डेबिट है और इतना पोर्शन हमारा क्रेडिट है। तो मैंने बोला जनरल एंट्री में आपको कैश कहाँ दिखा, आप कह रहे हो कैश हमें डेबिट में दिखा है, तो मैं कह रहा हूँ डेबिट साइड आ जाओ। आप आ गए। टू, अब किस नाम से लिखें सर, तो कैश के जो उल्टी तरफ होगा उस नाम से आपको लिखना है, यानी कैपिटल। तो आप टू कैपिटल अकाउंट लिख दोगे इस नाम से, लेकिन अमाउंट ये वाली आएगी 1,00,000 रुपये। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये भी तो सेम अमाउंट है यही लिख दो, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी जब मैं आगे जाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि कैश के आगे जो अमाउंट लिखी है उसके उल्टे नाम से, यानी क्रेडिट में जो चीज़ है उस नाम से अमाउंट यही वाली डालोगे आप। ये सेम हो चाहे अलग हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डालोगे यही वाली, ठीक है। फिर आपको और ढूंढना है कैश कहाँ है। तो मैंने ये पूरा देखा, मैंने जब भी पूरा देखा मेरे को एक और कैश दिखा मुझे क्रेडिट में। तो इस बार मैं फिर से क्रेडिट में जाऊँगा और बाय नाम से कैश लिखा हुआ है क्रेडिट में, क्रेडिट में जाके ये है। तो ये सारे लिखने पड़ेंगे बच्चों, तभी ये 44,800 पूरा कंपनसेट होगा। मतलब ये क्रेडिट में डेबिट की मुझे सारी बातें लिखनी पड़ेंगी, बाय परचेज अकाउंट भी लिखना पड़ेगा, बाय इनपुट CGST अकाउंट, बाय इनपुट SGST अकाउंट, क्योंकि कैश के आगे 44 लिखना और परचेस के आगे मैं पूरा लिख नहीं सकता। तो ये इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से, और ये वाली बात इस तरीके से। अब आप देखो कि हम कैश के क्रेडिट में गए, ये कैश का क्रेडिट वाला पोर्शन है, 44,800 ही लिखा है हमने, लेकिन जितनी बातें डेबिट में थी वो सारी लिखनी पड़ी हमें, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बस आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने जो भी नाम पकड़ा आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मेरे को सबसे पहले कैश देखा फर्स्ट एंट्री में डेबिट में, तो मैंने कैश अकाउंट पहले बना लिया। उसके बाद जहाँ जहाँ मुझे कैश दिख रहा है उस एंट्रीज से मुझे मतलब है। अब जब मैं थर्ड एंट्री पे आया तो थर्ड एंट्री हमारी इसी पेज पे है, थर्ड एंट्री में फिर से मुझे कैश दिख गया। तो अब मैं क्या करूँगा, कैश मुझे दिखा क्रेडिट में, तो मैं कैश अकाउंट के क्रेडिट में आ जाऊँगा और किस नाम से लिखूँगा, कमीशन नाम से। तो देखो मैं वही करने जा रहा हूँ, ये हमारी सेकेंड एंट्री हम मान लेते हैं। जब डेट होगी तो बच्चों आपको डेट डालनी पड़ेगी इसके आगे। तो बाय कमीशन अकाउंट कितना, तो आप बोलोगे सर जितना कैश के आगे लिखा है, तो मैं कह रहा हूँ वो 5,000 लिखा हुआ, तो मैंने लिख दिया 5,000। फिर मैंने आगे देखा तो आगे मुझे फिर से कैश दिखा अगली एंट्री में, लेकिन इस बार डेबिट में दिख गया। तो डेबिट में दिखा तो मैं फिर से डेबिट साइड आ जाऊँगा इसकी, और फोर्थ एंट्री के हिसाब से कैसे डालूँगा, कैश के डेबिट में आके 89,600 है। तो सर आप सिर्फ अगर सेल नाम से डाल दोगे तब भी ये सेटिस्फाई नहीं हो सकता, तो सारे नाम आपको डालने पड़ेंगे। तो मैं देखो कैसे करूँगा, टू सेल्स अकाउंट 80,000, टू आउटपुट CGST अकाउंट 4,800, टू आउटपुट SGST अकाउंट 4,800, ठीक है। ये वाला कैश भी पूरा सेट हो गया। फिर नेक्स्ट एंट्री में मुझे कैश क्या दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है, तो कैश क्रेडिट में दिखा इस बार, तो मैं फिर से क्रेडिट साइड आ जाऊँगा और कैश के उल्टे नाम यानी डेबिट नाम से लिखो, डेबिट में जो लिखा है बाय ड्रॉइंग्स उस नाम से मैं लिख दूँगा, कैश के आगे जो अमाउंट लिखी है उतनी, यानी कि 10,000। क्या ऐसा ज़रूरी है जो भी आप अकाउंट बना रहे हो उससे रिलेटेड बातें आपको हर एंट्री में मिले, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे मिलेंगी मैं वहाँ पे लिख लूँगा, और जहाँ नहीं मिलेगी तो फिर वो उसको एंट्री को आपको छोड़ देना है, स्किप कर देना है। अब मेरा कैश अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, अब किस तरीके से, क्योंकि सारी जनरल एंट्रीज़ ख़त्म हो गई, और सारी जनरल एंट्रीज़ ख़त्म होने का मतलब जहाँ जहाँ जनरल एंट्रीज़ में कैश आया था वो सारा मैं इस अकाउंट में रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अब आपको निकालना पड़ता है बैलेंस CD या फिर बैलेंस BD। तो देखो इस तरफ मुझे ज़्यादा दिख रहा है, 1,80,000,
189,600, तो यहाँ पे भी 189,600, यहाँ का टोटल आप लेस कर लोगे तो ये लगभग कितना है, 40, 10, 50, 55, और इसको अगर मैं 5,000 मान लूँ कुछ टाइम के लिए, तो आप बोलोगे देखो 10,000, 20 और 40, यानी कि 60,000 हो गया। यानी अगर इसमें से मैं 60,000 लेस कर दूँ तो 129,600 आ जाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा लेस करा है तो वो मैं ऐड भी कर लूँगा, तो 160,000 लेस हुआ था 29,800, ये इसका आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। कैश अकाउंट बच्चों क्लियर हुआ या नहीं एक बार बताना, ठीक है। अब अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाया है, अब हमको बनाना पड़ेगा नेक्स्ट कैपिटल। मतलब कोई भी ऐसी एंट्री नहीं होनी चाहिए, एक भी एंट्री ऐसी नहीं छूटनी चाहिए कि उसमें कोई नाम आ रहा हो और उसका हमने लेजर ना बनाया, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। कैश दिखा, कैश का बनाया, कैपिटल दिखा, कैपिटल परचेज, तो फिर परचेज इनपुट, इनपुट तो इनका बनेगा, फिर यहाँ पे कैश है तो इसका नहीं बनेगा क्योंकि हम बना चुके हैं इसका, ठीक है। तो चलिए हम कैपिटल अकाउंट अब एक बनाते हैं। बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, बस एक बार अगर आपको ये चैप्टर समझ आ जाए तो इसके तो फिर बच्चे बाद में प्रैक्टिस भी नहीं करते। अब हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है क्योंकि वो भी हमें हमारी जनरल एंट्रीज में दिखा है, तो अब मैं थोड़ा शॉर्ट बनाऊंगा क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, और अब मैं कंप्लीट फॉर्मेट इसका बना देता हूँ। ठीक है, फिर से हमें जनरल एंट्रीज में जाना है और देख ढूंढना है कहाँ कहाँ कैपिटल लिखा हुआ है। तो सबसे पहले एंट्री में हमें कैपिटल लिखा हुआ है क्रेडिट में, तो हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएंगे और कैश नाम से लिख देंगे 1,00,000 रुपये। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आके बाय कैश अकाउंट हम लिख देंगे 1,00,000 रुपये। फिर हम दोबारा ढूंढेंगे कहीं हमें कैपिटल है गिवन, तो आपने पूरी सेकेंड एंट्री देखी कहीं भी कैपिटल हमें नहीं मिला। फिर थर्ड जनरल एंट्री पे हम जाते हैं, थर्ड में कहीं कैपिटल है नहीं, फोर्थ में नहीं, फिफ्थ में नहीं, तो ख़त्म। अगर हमें कहीं भी कैपिटल नहीं मिलेगा तो हम उस अकाउंट को फिर क्लोज कर देंगे, या कोई भी जनरल एंट्री जब हमें नहीं मिलेगी जनरल एंट्री में कोई भी एक स्पेसिफिक नाम, तो उसके बाद उसकी क्लोजिंग हो जाती है। इस बार इस तरफ बचेगा 2 बैलेंस CD 1,00,000 रुपीस, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, अब हम ये बात कह सकते हैं कि हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई क्योंकि हमने इन दोनों के अकाउंट बना लिए। फिर जब मैं सेकंड एंट्री में आया तो मुझे परचेज दिखा जिसका मैंने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया, तो अब मैं परचेज अकाउंट बनाऊंगा बच्चों। अब बच्चों आपको फॉर्मेट तो समझ आ गया होगा, तो मैं फॉर्मेट नहीं बनाता, अब मैं सीधा बातें लिखूंगा। सबसे पहले सेकंड एंट्री में, जब फर्स्ट में हमें परचेज नहीं दिखी, सेकंड में हमें दिखी परचेज, परचेज के डेबिट में आना है और क्रेडिट वाले के नाम से यानी कैश नाम से लिखना है, ठीक है। तो क्या सर ये अमाउंट लिखेंगे? जी नहीं, परचेज के डेबिट में आके आपको लिखना 40,000 है, लेकिन अब नाम ये वाला आएगा तो अमाउंट भी इससे सेट हो जाएगी, देखो क्योंकि ये ज़्यादा है। अगर कम होती तो याद करो हम ये सारी बातें लिखी थी जब हमने कैश अकाउंट बनाया था, लेकिन इस बार ये पहले से ही ज़्यादा है तो हम 40,000 इससे ले सकते हैं। तो परचेज के डेबिट में आके कैश नाम से यानी 2 कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना? जितना सर परचेज के आगे लिखा हुआ था 40,000। मैंने बोला ठीक है, अब और कहीं परचेज है तो आप कह रहे हो यहाँ तो नहीं है, थर्ड एंट्री ढूंढते हैं, परचेज नहीं है, यानी सर इसका भी लेजर कंप्लीट हो गया, इसका भी हम बैलेंस सीडी निकाल देते हैं। तो इसका बाय बैलेंस सीडी निकलने वाला इस तरफ,
ये हम लेजर जब क्लोजिंग करते हैं बच्चों, इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, वो चैप्टर भी आप आगे पढ़ोगे। 40,000 ठीक है। परचेज के बाद, तो परचेज के बाद सर इनपुट CGST दिख रहा है, इनपुट CGST और इनपुट SGST, तो इनको भी हम बना लेते हैं। इनपुट CGST अकाउंट, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा बच्चों, और इनपुट SGST अकाउंट भी मैं साथ में बना लेता हूँ। ठीक है, तो CGST देखते हैं कहाँ है। तो इनपुट CGST ये रहा, तो डेबिट में लिखा हुआ है, तो सर डेबिट में जाओ और उल्टे वाले नाम से, यानी अगर ये डेबिट में है तो क्रेडिट वाले नाम से यानी कैश नाम से ये वाला 2400 लिख लो। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। इनपुट CGST का जब हमने अकाउंट बनाया तो इनपुट CGST हमें डेबिट में दिखा, मैं 2 डेबिट में लिख दिया। किस नाम से? क्रेडिट वाले नाम से, यानी 2 कैश अकाउंट। और कौन सी अमाउंट आएगी? तो सर ये 2400 ही हम लिखेंगे। ठीक है, फिर मैंने बोला इनपुट CGST, सेम इनपुट CGST, क्या हमें कहीं और दिख रहा है? तो आपने बोला सर थर्ड एंट्री में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है और फिफ्थ में भी नहीं है, यानी सिर्फ एक ही एंट्री में है ये बात। तो ये वाला अकाउंट भी हमारा क्लोज हो जाएगा 2400 बाय बैलेंस CD। ठीक है, यहाँ के ऊपर बच्चों डेबिट क्रेडिट ये आप लिख लेना। सेम बात बच्चों फिर SGST के लिए आई, तो इनपुट SGST मुझे डेबिट में दिखा, तो फिर से मैं डेबिट में ही आऊँगा और इनपुट SGST के डेबिट में आके उल्टे नाम से यानी 2 कैश नाम से आपको लिखना पड़ेगा 2400। और इसके बाद इसे जब आप पीछे कहीं ढूंढोगे तो ये वहाँ पे भी नहीं है, दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको। फर्स्ट एंट्री में तो था नहीं, सेकंड हम कर रहे हैं, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है और फिफ्थ में भी नहीं। ये आउटपुट है बच्चों, इनपुट आउटपुट में आपको डिफरेंस पता होगा, ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में सही से समझाया है। तो इसकी भी आप क्लोजिंग कर दोगे 2400 बाय बैलेंस CD 2400। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े सेकंड एंट्री में, तो हमें कैश दिखा और आप बोलोगे सर ये अकाउंट तो हम बना चुके हैं, तो मैं बोलूँगा ठीक है स्किप कर दो। अब हमारी 2 कंप्लीट जनरल एंट्रीज ऐसी हो चुकी हैं जिसमें जितने भी नाम आए हमें डेबिट में या क्रेडिट में, जितने भी नाम आए उन सब के हमारे पास अकाउंट अभी प्रेजेंट है। ठीक है सर, तो थर्ड एंट्री पे आ जाओ। थर्ड एंट्री हमारी कमीशन टू कैश, यानी कमीशन अकाउंट डेबिट है। सर इसका अकाउंट हमने अभी तक नहीं बनाया, तो मैं कहूँगा ठीक है बनाते हैं इसका अकाउंट। देखो कमीशन का एक छोटा सा अकाउंट बनेगा क्योंकि आगे कहीं भी कमीशन का यूज़ हुआ ही नहीं है, तो एक लाइन का अकाउंट बनेगा कमीशन का, तो मैं चलो बना देता हूँ। ठीक है, तो कमीशन अकाउंट मुझे कमीशन के डेबिट में आ जाओ सर, और कैश नाम से 5000 लिख दो, यानी 2 कैश अकाउंट नाम से 5000 लिख दो डेबिट में आके, और कमीशन आगे नहीं है यानी यही हमारा बैलेंस भी बच जाएगा 5000 बाय बैलेंस CD, ये भी 5000। फिर थर्ड एंट्री आप देखोगे कैश, तो सर कैश तो हम बना चुके हैं, यानी अगर हमने कैश अकाउंट बना दिया तो ये वाली बात हम रिकॉर्ड कर चुके होंगे, तो अब इसे स्किप कर दो। मैंने बोला ठीक है ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में आपने देखा डेबिट में सर कैश लिखा हुआ है, फिर से वही बात, हम कैश तो बना चुके हैं, तो ये बात ख़त्म। सेल्स, सर सेल्स नहीं बनाया अभी तक, तो मैं कह रहा हूँ ठीक है एक सेल अकाउंट बनाओ फिर। तो आपने बोला ठीक है सेल्स अकाउंट हम बनाते हैं। सेल्स भी बच्चों हमारा बहुत बड़ा नहीं बनेगा, बिल्कुल छोटा सा ही बनेगा, क्योंकि एक ही जगह सेल्स है मैंने देख लिया। हम अभी फोर्थ एंट्री सॉल्व कर रहे हैं और सेल्स बस यहाँ पर है और आगे कहीं भी नहीं है। जिस तरीके से आप एंट्री आगे आगे आते जाते हो, आपको पीछे की एंट्रीज फिर चेक नहीं करनी होती,
तो सेल्स के क्रेडिट में जाओ 80,000, डेबिट के नाम से यानी कैश नाम से लिखना 80,000, ये 89 नहीं लिख सकते, सेल्स के क्रेडिट में जाओ, मैं बोल रहा हूँ सेल्स का क्रेडिट तो ये रहा, तो क्रेडिट डेबिट बाय कैश अकाउंट नाम से सेल्स के आगे जितना लिखा है वो अमाउंट, यानी 80,000 लिखा था सेल्स के आगे, तो मैं कैश नाम से 80,000 ही यहाँ से ले सकता हूँ, ठीक है। फिर आगे सेल्स नहीं है तो यही आपका टू बैलेंस सीडी बच जाएगा 80,000, 80,000। नेक्स्ट फिर सेल के बाद क्या है, तो सेल्स के बाद सर आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आगे कहीं नहीं है, यानी ये भी एक एक लाइन के ही बनेंगे, तो मैं कह रहा हूँ ठीक है बना लेते हैं इनको, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, तो आउटपुट क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में जाके कैश नाम से 4800, तो ये बात अब आप समझ गए होगे, बाय कैश अकाउंट, आउटपुट अगर क्रेडिट में है तो क्रेडिट में आके डेबिट वाले के नाम से, लेकिन अमाउंट जिसका आप अकाउंट बना रहे उसी का, और ये आगे कहीं नहीं है, तो ही आपका बैलेंस सीडी भी बचने वाला है 4800, इसमें से लेस होके 4800। फिर इसके बाद आउटपुट सीजीएसटी के बाद है आउटपुट एसजीएसटी, बच्चों साथ के साथ नोट डाउन मत करना बिल्कुल भी कभी, मैं आपको वीडियो में टाइम दूंगा कि आप नोट डाउन कर सको, या आप समझने के बाद वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद नोट डाउन कर सकते हो, पर चलती वीडियो में मत करना क्योंकि फिर आपको बातें समझ नहीं आएगी जो मैं समझा रहा हूँ। आउटपुट एसजीएसटी क्रेडिट में लिखा है, तो सर इसी अकाउंट के क्रेडिट में जाके कैश नाम से 4800 लिख देते हैं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक, बाय कैश अकाउंट 4800, और कहीं भी नहीं है तो सर अकाउंट क्लोज कर देते हैं, और यही आपका टू बैलेंस सीडी बच जाएगा 4800। ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं सर ड्राइंग, तो इसका अकाउंट भी अभी तक आपने नहीं बनाया। फिर है कैश, तो ये तो हम बना चुके हैं, यानी लास्ट हमारे जनरल एंट्री जो हमारा लेजर बनेगा वो ड्राइंग का बनेगा, वो भी एक लाइन का बनेगा क्योंकि लास्ट एंट्री, और इसके बाद कहीं और ड्राइंग्स भी यूज़ नहीं होंगी, तो एक लाइन का मैं ड्राइंग्स अकाउंट भी एक बना देता हूँ। ड्राइंग्स के डेबिट में जाके कैश नाम से 10,000, ड्राइंग्स के डेबिट में जाके टू कैश अकाउंट और 10,000। तो बच्चे इसके बाद ड्राइंग्स का ही नहीं है, तो आपको बैलेंस निकाल देना, और यही 10,000 आपका बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा। सारी जनरल एंट्रीज ख़त्म, ड्राइंग्स के बाद कैश है इसका आप बना चुके हैं, यानी सारी जनरल एंट्री ख़त्म, और जितनी भी आपने जनरल एंट्री पास करी है उसके अंदर जितने भी टर्म्स यूज़ हुई हैं डेबिट में और क्रेडिट में मिला के, उन सब के जब आप सारे अकाउंट बना लो तो यानी आपकी लेजर कंप्लीट हो गई है। इन बैलेंस सीडीज़ का क्या करना है आप आगे आने वाली क्लासेज में बच्चों समझ जाओगे, सीख जाओगे कि इनका क्या यूज़ होता है और कैसे इनको हम कहाँ पर डालते हैं या किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। तो बच्चों ये एक कंप्लीट एग्जांपल था जिसमें सिर्फ एक एग्जांपल काफ़ी होता है लेजर समझने के लिए, उस बच्चे के लिए जिसने जनरल एंट्री चैप्टर बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ा हुआ है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, और अगर आपको सीखना है तो आप, मैंने पढ़ाया हुआ 11 वीडियोज़ डाली हुई है, वो आप आराम से पढ़ के सीख सकते हो, ठीक है बच्चे। तो अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ये मैंने आज लेजर स्टार्ट किया था जिसमें मैंने एक आपको पहले मतलब समझाया किस तरीके से लेजर क्या होता है, एक अकाउंट है जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर चीज़ की सारी रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी अगर मैं फॉर्मेट में कैश अकाउंट बना रहा तो सारे की सारी कैश ट्रांजैक्शन इसके अंदर आ जाएंगी, कैश रिलेटेड जो भी चीज़ें थी। ये फिर मैंने एक क्वेश्चन बताया आपको, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना, उसके बाद उस बेस पर बच्चे हमने जनरल एंट्री पास करी थी, फिर ये जनरल एंट्री यहाँ तक गई थी 3rd 4th 5th, उसके बाद हमने ये कैश अकाउंट बनाया था,
आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। फिर इसके बाद हमने आगे के हमने लेजर बनाए, जैसे कैपिटल, परचेज, इनपुट CGST, इनपुट SGST, और फिर हमने बाकी के बचे हुए जनरल जैसे कि लेजर, जैसे कि कमीशन, सेल, आउटपुट, CGST, आउटपुट, SGST और ड्राइंग्स अकाउंट बना के सारे लेजर्स कंप्लीट कर लिए। तो आप इनको वीडियो पॉज करके या स्क्रीन शॉट लेके नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसमें बच्चों ज़्यादा कुछ करने के लिए होता है नहीं, आपको 3 करना है। आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 4। आप मैच कर लेना आपके पास जो भी बुक हो, इलस्ट्रेशन नंबर 4। और आपको क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 5, और फिर आपको क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 9। ये 4 क्वेश्चन बच्चों आपको सॉल्व करना है होमवर्क में, और इन 4 में अगर आपको कोई भी डाउट आए तो वो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है बच्चों। ये चैप्टर इतना ही था, इसमें ज़्यादा कुछ बच्चों सीखने के लिए नहीं है, सिर्फ जनरल एंट्री पास करके उनका जो एक बेसिक सेट ऑफ रूल है जिसके बेसिस पे आप लेजर बनाते हो, तो वो मैंने आपको सिखा दिया। तो उस बेस पे आप सारे लेजर तैयार करना एक एक करके, और उनके बैलेंसेस चेक करना, इनमें बैलेंसेस गिवन होंगे आपको। अगर कहीं से कोई दिक्कत आएगी तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10, कैश बुक। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों ये कैश बुक, और बहुत ही मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ने में, क्योंकि बहुत बढ़िया चैप्टर है, ठीक है बच्चों। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।